नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टेर इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। कभी भी जब बात आधुनिक कृषि की होती है तो दिमाग में सबसे पहली छवि कृषि की आधुनिक तकनीकों और कृषि उपकरणों की होती है। कृषि उपकरण ही है जिनकी मदद से किसान आज के वक्त में खेती के कामों को कम समय और कम लागत के साथ कर पा रहे हैं। लेकिन महंगे महंगे कृषि यंत्रों की खरीद कर पाना सभी किसानों के लिए संभव नहीं है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार किसानों तक आधुनिक तकनीकों का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देते हैं, जैसे हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा भी स्मैम एवं NFSM योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 40-50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इन कृषि यंत्रों में रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित पावर वीडर का नाम भी शामिल है। जानकारी के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से ये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके तहत लाभार्थियों के चयन के लिए जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है और समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन ड्रॉ और लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं योजना के तहत एक किसान अधिकतम 2 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए अनुदान का पात्र होगा। योजना के तहत जब किसान का चयन कर लिया जाएगा उसके बाद किसान कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव करके अपनी पसंद के निर्माता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। वहीं जरूरी बात यह है कि एक किसान अधिकतम 2 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए ही पात्र होगा। ऐसे में अगर आप हरियाणा के किसान हैं और कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 तय की गई है। इसके अलावा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-211 के अलावा उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालयों में भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी अधिक जानकारी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।